सो गाइस तो आप लोग कैसे हैं एंड गाइस मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा मस्त एंड बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे। एंड गाइस आज के वीडियो में आपका भाई आप लोगों को सिखाने वाला इस तरीके से HDR फेस स्मूथ फोटोनिंग जो गाइस आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। एंड गाइस मैं आपको आज सिखाऊंगा कैसे आप अपने फेस को स्मूथ कर सकते हैं एंड व्हाइट कर सकते हैं एंड कैसे आप अपने बैकग्राउंड को कुछ इस तरह से डार्क ब्लैक कर सकते हैं। मिला जुला कर जो बोलूँ आप लोग डार्क ब्लैक फोटोनिंग कैसे कर सकते हैं। एंड गाइस देख लीजिए नॉर्मल फोटो यहाँ पे, एंड गाइस फोटो को देख सकते हैं एंड बहुत ज़्यादा पिंपल एंड दना और यहाँ पे फोटो जो है पूरे तरीके से मतलब खराब है। एंड इसी वाले फोटो को यहाँ पे बनाया है तो फोटो का जो लुक दिखने में आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत ज्यादा औसम एंड बहुत ज्यादा औसम लग रहा है। तो आप लोग इस तरीके का एडिटिंग अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो आज का वीडियो गाइस बिना स्किप के आप लोग देखते हैं तो इस तरीके के बहुत ही कम टाइम में सीख जाएंगे। और इससे पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज गाइस सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करते स्टार्ट। तो सिंपली गाइस आएंगे फोटो वाले मॉडल पे, जिस भाई को एडिटिंग सीखना है वही वीडियो को देखे, जिस भाई को नहीं सीखना है वही वीडियो से अभी के स्किप करके चले जाए, ठीक है। इस फोटो को यहाँ से सिंपली आप लोग गाइस शेयर कर लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ स्नैपचैट ऐप के अंदर। एंड गाइस बहुत ज़्यादा आसान एडिटिंग आज के वीडियो में आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ। और गाइस इस तरीके से आइएगा एंड गाइस आपको मॉर्निंग का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। एंड गाइस आपको इस वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक करके इस तरीके से फोटो के ऊपर ब्राइटनेस को अप्लाई करना होगा। वन क्लिक के अंदर ब्राइटनेस अप्लाई हो जाएगा और फोटो को आप लोग सही कर लीजिएगा। एंड गाइस सही करने के बाद फिर से आपको टूल्स वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करूँगा एक बार, ठीक है। एंड गाइस आपको मिलेगा बिगिन का ऑप्शन यहाँ पे, एंड गाइस यहाँ पे ये क्या है। एंड गाइस आपको 3 नंबर पे यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा नहीं तो आप लोग नहीं समझ पाइएगा। 3 नंबर पे आप लोग आइए क्या एंड इसका सिचुएशन माइनस एंड यहाँ स्टाइल स्टेन को भी माइनस एंड फोटो को सही एंड फोटो का लुक पूरे तरीके से ब्लैक, ठीक है। गाइस फोटो पूरे तरीके से ब्लैक हो चुका है। एंड गाइस फिर से आएंगे तीर वाले ऑप्शन पे एंड गाइस आ जाएंगे एंड नीचे व्यू एडिट पे क्लिक कर देंगे और बिगिन पे क्लिक करके और ब्रश पे क्लिक कर देंगे एंड फोटो फिर से पहले जैसा हो चुका है, आपका भी होगा। एंड गाइस आपको अपने फोटो वाले मॉडल पे यहाँ पे आप लोग आ जाएगा एंड आने के बाद फोटो को इस तरीके से अपने जूम कर लीजिएगा एंड इस तरीके से मतलब आप लोग को अपने फोटो के ऊपर से जो भी आपके मतलब गाइस ब्लैक पार्ट होगा जहाँ से भी आपको ब्लैक पार्ट को इरेज करना होगा आराम से इस तरीके से ब्रश को अप्लाई करके आप लोग जो है ना इरेज कर सकते हैं। एंड गाइस मैं इसको थोड़ा सा जल्दी कर लेता हूँ। एंड गाइस मेरे जो फोटो पर का ब्लैक पार्ट है उसको मैं आराम से इरेज कर लिया हूँ। एंड गाइस फोटो को आप लोग अब सही कर लीजिएगा। अब गाइस जो कमाल का ट्रिक्स एंड टिप्स है वो आज आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। एंड गाइस सिंपली यहाँ पे आइएगा शेयर वाले ऑप्शन पे, जो भी मेरे ऑडियंस भाई मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो भाई वीडियो को बिना स्किप किए आप देखते हैं तो मेरे जैसा एडिटिंग सीख लेगा और आपका भाई ना आपको ऐसा ट्रिक जो बताएगा वो आपको कहीं भी दिखने को नहीं मिला होगा, ठीक है। सिंपली लाइटरूम ऐप के अंदर फोटो को लेकर आ जाना होगा। अब गाइस जो मतलब एडिटिंग में क्या बताऊं कि आप लोगों को जितना आसान मैं आज बताऊंगा आप लोग देखकर खुश हो जाइएगा, ठीक है। तो सिंपली आपको लाइट पे आना होगा आराम से और हाईलाइटेड को आराम से माइनस एंड शैडो को 100+, व्हाइट्स को माइनस मतलब 50 और मतलब ब्लैक को मतलब 36 माइनस एंड कंट्रास्ट को प्लस यहाँ से 53। इस तरीके से फोटो बिफोर एंड आफ्टर एंड इसके मतलब बगल में ही मिलेगा कलर का ऑप्शन एंड इसके ऊपर यहाँ पे आना होगा। इसको आप लोग मतलब 6 में कर लेता हूँ एंड गाइस मैं मिक्स वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर दूंगा और गाइस में क्लिक करने के बाद सिंपली आ जाऊँगा इस वाले ऑप्शन पे एक बार, ठीक है। एंड सिचुएशन को माइनस कर लेंगे इस तरीके से 67 और लिमिनेंस को प्लस कर लेंगे 100 और फोटो को आएंगे इस वाले ऑप्शन पे एंड गाइस इस पे और सिचुएशन को माइनस एंड ह्यू को प्लस एंड गाइस इस पे आएंगे और इसका सिचुएशन माइनस कर लेंगे एंड गाइस इतना काम करने के बाद रेड वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देंगे एंड इस सिचुएशन को प्लस कर देंगे एंड ह्यू को माइनस कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। और फोटो को डन कर लेंगे तो रेड इफेक्ट आया, देख लीजिए बिफोर एंड आफ्टर एंड थोड़ा सा फोटो में HD लुक डालने के लिए इफेक्ट पे आएंगे और स्ट्रक्चर को प्लस थोड़ा सा 37 एंड क्लियरिटी को भी थोड़ा सा प्लस 17 एंड इसके नीचे वाले ऑप्शन को थोड़ा सा मतलब 8+, ठीक है। एंड इसके नीचे वाले ऑप्शन को सिबल 15 के करीब माइनस करेंगे तो देख लीजिए बिफोर एंड आफ्टर फोन का क्वालिटी एंड गाइस बिफोर एंड आफ्टर है। एंड गाइस यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा रेड इफेक्ट है, सबको स्मूथिंग टाइम में बताएंगे आप लोगों को वीडियो में, आप लोग बने रहिए कैसे कैसे ब्लैक पार्ट को हाइड किया जाता है एंड कैसे कैसे फोटो को मतलब स्मूथ किया जाता है। तो सबसे पहले तो फोटो को आप लोग सिंपली सेव कर लीजिएगा।
सो गाइस तो फोटो सेव हो चुका है मेरा, देख लीजिए नीचे व्यू इन गैलरी का ऑप्शन आपको दिखने को मिल रहा होगा। एंड गाइस आप अपने फोटो को आप शेयर कर लीजिएगा। एंड गाइस फोटो को शेयर करने के बाद मैं आपको जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा वो आपको कहीं भी दिखने को मिला ही नहीं होगा। एंड गाइस मेरा आप लोग आज विश्वास कीजिए, क्योंकि आज मैं आपको एडिटिंग सिखाऊंगा। तो इस जो चीज़ है यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सामना करने के, मतलब यहाँ पे फोटो को मतलब इस तरीके से नहीं होगा, तो आपको ऐड कैसे करना होगा। मतलब सिंपली इस कोने में आपको क्लिक करके इंपोर्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करके और यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ से फोटो को ड्रॉ, एंड जिस फोटो को आप सेव किए थे उस वाले फोटो पे क्लिक करेंगे तो फोटो यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी आ चुका है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता क्या है, इस वाले ऑप्शन को इरेज करना है, ठीक है, इरेज करना है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट तो थोड़ा सा लिप्स को रेड करके सिखा देंगे, उसके बाद फेस स्मूथ सिखाएंगे ही एंड सिखाएंगे ही। तो लिप्स थोड़ा सा फेंका है और यहाँ पे थोड़ा सा है तो अच्छा नहीं लग रहा है दिखने में, तो पूरा रेड करेंगे जिससे फोटो बहुत ज़्यादा ऑसम लगता है। तो इसके लिए सिंपली आएंगे लेयर वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देंगे एंड गाइस प्लस पे क्लिक करके और यहाँ पे एक न्यू लेयर को क्रिएट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे एंड गाइस मैं नोरल पे आ जाऊँगा और इसको मैं सिंपली सॉपलेट कर लूँगा। एंड गाइस मेरा सॉपलेट यहाँ पे हो चुका है और फोटो को कट करेंगे, ड्रॉ करेंगे। एंड गाइस मैं सिंपली ब्रश पे आ जाऊँगा एंड मैं ब्रश पे आऊँगा और कैसे कैसे ब्रश को सिलेक्ट करना है एंड कैसे कैसे फोटो को एडिट करना है सब कुछ आज की वीडियो में क्लियर ही बताऊँगा। और इस वाले ब्रश को आराम से सेलेक्ट कर देना होगा एंड गाइस सेटिंग पे आइएगा और ऑपेसिटी को पूरा 100 एंड साइज को मैं 22 कर लूँगा और मैं कट कर दूँगा एंड मैं कलर्स पे आऊँगा। और जो भी आप अपने लिप्स का कलर रख जाते हैं रेड एंड थोड़ा सा रेड से अलग कलर है तो मैं इसको रख लूंगा और कट कर दूंगा और फोटो को मैं जूम करूंगा। एंड गाइस इस तरीके से ना आपका जो मतलब लिप्स होगा आराम से इसको रेड कर लीजिएगा। तो अभी फेस स्मूथ का जो ट्रिक है वो बाकी है, ठीक है। तो वो मैं चीज आपको बताऊंगा आज वीडियो में, आप लोग थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो को। एंड गाइस जो चीज आज बताएंगे इस वाली चीज को देखने के बाद फोटो को मैंने आप लोग बहुत ज्यादा आसान तरीके से एंड बहुत ज्यादा ऑसम तरीके से फोटो बना सकते हैं। लिप्स कितना ऑसम तरीके से रेड हो चुका है आप लोग स्क्रीन पे देख लीजिए। और इतना काम होने के बाद अब जो आपका लास्ट काम है एंड इस लास्ट टिप्स है एंड जो है फेस के ऊपर है, फेस स्मूथ को लेकर, ठीक है। ये सब प्रॉब्लम सामना करने को मिलता है और आप लोगों को इसी प्रॉब्लम से मतलब आप लोग कन्फ्यूज रहते हैं एंड इसके लिए सिंपली ऊपर लेयर पे क्लिक करना होगा। ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, फेस स्मूथ सिखा रहे हैं, कोई मजाक नहीं है, ठीक है। और सिंपली आपको स्मूथ जो सॉफ्ट स्मूथ का ऑप्शन यहाँ पे है लेयर, तो अपने फोटो में मॉडल पे आप लोग लाइएगा, हरा वाला चीन आया है आप लोगों को भी दिखाई दिया होगा और कट कर देंगे। सिंपली ब्रश पे आएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। तो आप लोगों को आप मजाक में वीडियो को नहीं लीजिएगा, नहीं तो नहीं सीख पाइएगा। और सिंपली आपको यहाँ पे आ जाना होगा, इस वाले ब्रश के ऊपर स्मूथ यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा और यहीं पे मिलेगा, तो इसको आराम से सेलेक्ट करके और आप लोग सेटिंग पे आ जाएगा। थोड़ा सा भी मजाक में वीडियो को नहीं लीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमों का सामना करने को मिल जाएगा। और यहाँ पे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है आप लोगों को, मैं जो बता रहा हूँ आप लोग उसी चीज़ को कीजिएगा, तभी फेस को स्मूथ कर पाएंगे। और सिंपली आपको फोलो को 5 एंड स्टोन को 4 कर देना होगा। इस दोनों को सेम करने के बाद एंड गाइस जो साइज है मैं यहाँ से 70 से कुछ 80 कर लेता हूँ, इस तरीके से एक काशी के करीब कर लूँगा। गाइस आप अपने फोटो के हिसाब से आप अपने साइज को रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं कट कर दूंगा एंड गाइस मैं कट करने के बाद क्या करूँगा, इस तरीके से फेस के ऊपर ब्रश को अप्लाई करूँगा तो मेरा जो फेस होगा गाइस स्मूथ होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा आसान होता है, लेकिन आप लोगों को अच्छे से आप लोग नहीं करता है एंड कोई आपको रियली तरीके से नहीं बताता है। और फेस को स्मूथ करना बहुत ज़्यादा आसान तरीका एंड बहुत ज़्यादा आसान स्टेप है, ठीक है। तो मैं आराम से फेस को इस तरीके से स्मूथ कर लूँगा, देख लीजिए कितना हाई एचडी मेरा स्मूथ हो रहा है, ठीक है। और इसी चीज़ को लेकर आप लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं, लेकिन यही चीज़ मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लियरी तरीके से बताता हूँ। लेकिन आप लोगों को मैं एक और भी बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा फेस को स्मूथ करने में गाइस प्रॉब्लम आता है तो आप लोग थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, 1 से 2 बार कीजिएगा, फेस स्मूथ क्लियरी आप लोग कर पाइएगा और घबराइएगा मत। और आप लोगों को फेस को स्मूथ करने से मतलब थोड़ा सा भी कन्फ्यूज नहीं होना है, आराम से जितना हो सकेगा उतना आराम से फेस को स्मूथ करने का मतलब रियल राज जो है मैं तो आपको बता दिया हूँ। लेकिन आप लोग ऐसा क्या करेंगे, ब्रश को अप्लाई करने में दिक्कत कर लेंगे, ठीक है। दिक्कत होने के बाद क्या होता है, फेस खराब हो जाता है। और आप लोग आराम से कीजिएगा, बिल्कुल भी मत घबराइएगा। और जो चीज़ आप लोग करते हैं आप लोग 1 से 2 बार फेस को स्मूथ कीजिएगा, गारंटी है कि हो जाएगा और गारंटी है कि आप लोगों का भाई का भी हो रहा है यहाँ पे स्मूथ, ठीक है। और मैं साइज को थोड़ा सा प्लस कर लूँगा, ठीक है, और इसको मिलाऊंगा लेबल में अच्छे से। आप लोग घबराइएगा मत, जो आपके पिंपल एंड दाना आपको जो सामना करने को मिलता है, अब इस प्रॉब्लम को सामना करने को मिलता है, तो आप लोग आराम से हल्के हाथों से इस तरीके से फेस को आप लोग स्मूथ कीजिएगा। जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स आज बता रहा है ना, वो मैं कभी भी नहीं बताया हूँ एंड किसी भी वीडियो में मैं नहीं बताया हूँ। और ये जो चीज़ आज आपको बताएंगे एंड गाइस इस तरीके से देख लीजिए कितना आसान तरीके से हो रहा है, आप लोग स्क्रीन पे देख लीजिए।
देख लीजिए कितना आसान स्टेप में मैं कर रहा हूँ अपने फेस को स्मूथ। एंड गाइस इसी तरीके से आप अपने हर भी फेस को स्मूथ कर पाएंगे। एंड जो पिंपल एंड दाना रहता है उसको मैं आराम से इरेज कर लूँ, आप लोगों को दिखाई दिया होगा। एंड इसी तरीके से फेस को स्मूथ कर लीजिएगा, घबराइएगा मत, ठीक है, और अच्छे तरीके से कीजिएगा, थोड़ा सा भी कन्फ्यूज नहीं होना है। एंड गाइस मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को समय में फिर से मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गाइस इतना ही।